बच्चों, आज हम कक्षा छठी से आठवीं कोहोर्ट वन समूह तीन की कार्य पत्रक 87 हल करेंगे। दिनांक 21 नवंबर 2020। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? बच्चों, अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर वायु प्रदूषण दिखाया गया है। इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं उन्हें लिखिए। इस प्रदूषण के कई कारण होते हैं, जैसे कि पटाखे जलाने से, उद्योगों से निकलने वाली गैस, पत्तों को जलाना, वृक्ष काटना आदि। ये दूसरा चित्र करते हैं। दूसरे चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जल प्रदूषण की बात की गई है। इस प्रदूषण को कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं उन्हें लिखिए। इस प्रदूषण के कुछ कारण हैं: कूड़ा फेंकने से, उद्योग द्वारा रसायन पानी में छोड़ने से, कपड़े धोने एवं नहाने से। चलिए तीसरे चित्र की ओर चलते हैं। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? बच्चों, इस चित्र में भूमि प्रदूषण दिखाया गया है। इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं उन्हें लिखिए। इस प्रदूषण के कुछ कारण हैं: घरेलू कचरा बाहर फेंकना, हानिकारक पदार्थ फेंकना, उद्योगों द्वारा रसायन भूमि पे छोड़ना। चलिए आखिरी चित्र की ओर चलते हैं। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? बच्चों, इस चित्र में ध्वनि प्रदूषण दिखाया गया है। इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं उन्हें लिखिए। इस प्रदूषण के कुछ कारण हैं: उद्योग से आने वाला शोर, परिवहन के साधन से, मनोरंजन के साधन, निर्माण कार्य और आतिशबाजी आदि। सभी कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश: नियमित रूप से अपने हाथों को पानी और साबुन से धोएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।